मौन था आसमां, अरे थी विकल में दनी मौन था आसमां, दिल के दासिता पे दामिनी दहकती रही, सर झुकाए हिमालय खड़ा शोक में, गंगा जमुना की लहरें सिसकती रही, है सर जमी राम रहमान की, जिस जगह श्याम बंसी बजाते रहे, कभी महेंद्र बढ़ा पाप भारी, जिनके कर में कलम याह भरती रही। ए भैया, तमाम आप लोगन हमारी आवाज में कांड सुनत हवन, यूकी कंपनी में एक ठे कांड हम आप लोगन के बीच मार्केट में कैसेट जाई यूकी कंपनी में गावत हैं, एवनी गीत के आप लोगन सुनिहन, हम के आसान आवल के विश्वास बा कि गाजीपुर जिला का कांड हो आप लोगन के जरूर पसंद आई। यहाँ एक लाइन गजल के लाइन बा मास्टर, तनी से बढ़ के दा आऊ है गजल का लाइन बा, का गजल के लाइन हो, वाह वाह तरत का लाइन बा, कि कौन फूल दिल कस है, कौन फूल दिल कस है, ये तितलियां समझती है, कौन फूल दिल कस है, ये तितलियां समझती है, ये तितलियां समझती है, हाय कौन फूल दिल कस है, ये तितलियां समझती है, हाय कौन फूल दिल कस है, तितलियां समझती है, बाती अपने मतलब की, बाती अपने मतलब की, ये लड़कियां समझती है, तमाम रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगन सुनत हूँ, यही का तनी से हम बदल के गाइला, का बदल के गाइला, कि कौन कली कैसी है, कौन कली कैसी है, ये डालियां समझती है, कौन कली कैसी है, ये डालियां समझती है, डालियां समझती है, हाय कौन कली कैसी है, डालियां समझती है, ओ बोलो बोलो, कौन कली कैसी है, ये डालियां समझती है, अपने जीजा की कमजोरी, अपने जीजा की कमजोरी, ये सालियां समझती है, अपने जीजा की कमजोरी, ये सालियां सालियां समझती है, अपने जीजा की कमजोरी, ये सालियां समझती है। गौर करिहन, बड़ी ऊंची बात लिखी गई, कहना है कवि का क्या, कि भर गया है दिल दुखी से, भर गया है दिल दुखी से, ये बस्तियां कलपती है, भर गया है दिल दुखी से, बस्तियां कलपती है, हाय भर गया है दिल दुख
चल रही अनल ऐसी, ये हस्तियां बिलखती है। चल रही अनल ऐसी, ये हस्तियां बिलखती है। कहानी की शुरुआत है, गौर करिहन कोई कपोल बात नहीं। आप लोग पेपर में इस कहानी को पढ़े होंगे, इस कांड को पढ़े होंगे। कहानी है वो कहां का? या भैया, घटा गमगीन गाजीपुर का दास स्थान सही, राम गरुआ मकसुपुर स्थान सही। यहाँ गद राजा की राजधानी हसा करती थी, जमदागिनी की समाधि भी लगा करती थी। आज वही धरती रोती दुराचारों से, सभी परेशान है गरुआ के भूमिहारों से। अप्रैल 1300 के सनी भैया काम रही, सुतायन बुझ यादव कम तक गुमनाम रही। तनी बात समझ ला, एकदम कहानी साफ सब समझ में चली आई। गाजीपुर जिला में एक तपे तपाया गांव, जिस गांव का नाम गरुआ बतलाया गया, मकसूद पुरस्थान है। बाबू देखें, वही गरुआ गांव की ये कहानी है। कहानी गरुआ गांव की है, मगर आखिर उसी गरुआ गांव में एक कमता यादव नाम के आदमी रहता था। एक बच्ची थी, बीवी थी, आखिर जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हालांकि ये बतलाया गया है कि वो गांव भूमिहारों का है, भूमिहारों की बस्ती है, और बिरादरी के लोग भी उस गांव में दो चार करके रहते हैं। मगर बाबू देखे नतीजा निकला क्या। यहाँ एक लाइन तरज दिहल बाबू है, तरज का लाइन बका। यह तरज का लाइन बाबू, नदिया किनारे मोरे छेला बाबू हो बर करे। के बोलावे रसा रंगिया हो बर तारे। एक दिन एक घटना घटल। कमता यादव के बेटिया, जो कि बाबूजी इस लड़की का नाम हीरा बतलाया गया, उम्र उसकी बतलाई गई करीब करीब 8-10 वर्ष की, और वो 3 क्लास में पढ़ रही थी। एक रोज अपने घर से निकलती है, गांव के बगल में ही, उसके घर के बगल में ही एक तोत का पेड़ था। उसी तोत के पेड़ के नजदीक बच्ची थी ही, जाती है खेलने के वास्ते, तोत तुरने के वास्ते। मगर हुआ क्या बाबूजी, धीरे धीरे शाम हो गया, आखिर वो लड़की घर पर नहीं आई। उस समय आज कमता यादव रो करके कहने लगी कि आखिर मेरी बेटी गई कहां, खोज रहे हैं। तो कभी को कहना पड़ा क्या, ये कहनाम बा कि घेरी घरवा में आके बादरिया हो लोर झूरे। हो गई गायब कुमरिया हो लोर झूरे। पड़ोसी उन्हें धीरा जा बधाई।
शाम हो गया, अभी तक वो हीरा नाम की जो लड़की थी वो बेटी अपने घर पर नहीं आई। बाबूजी गौर करेंगे, जिसकी 8 वर्ष की बेटी शाम हो गया अभी तक घर नहीं आई, आखिर माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगा। माँ बाप दोनों कमता और कमता की बीवी दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। गांव के लोग धीरज बधा रहे हैं, लेकिन ओहर का तनी बात तोहरे छोड़ दा, एहवर देखा लड़की जब तो तुरे गई बे बाबू, आखिर नतीजा निकलल का। यहाँ एक लाइन है तरजवा, तनी से और बढ़ के दा तरज के लाइन में भैया। है तरज कलाइन बाप कि अरे पातर राम के, अब पातर राम के पातर काढ़ी आए राम, पातर राम के टूटल नाही, नन्हवे के टूटल नाही, झूठ काढ़ी आई आए रामा, नन्हवे के टूटल नाही, झूठ काढ़ी आई आए रामा, नन्हवे के टूटल नाही, झूठ काढ़ी आई आए रामा, नन्हवे के टूटल। इधर लड़की तोत तुरने के लिए जाती है बाबू, तोत तुर रही है, लेकिन नतीजा निकला क्या कि तुरत तोत बाला पकड़ा, तुरत तोत बाला पकड़ा, नीचा कसैया ये भैया, तुरत तोत बाला पकड़ा। बुझे ना दरदा कानी, बुझे ना दरदा कानी, नीचा नीरा दैया ये भैया, बुझे ना दरदा कानी। आखिर बाबू देखें, कमलेश दो लड़का थे, कमलेश और अवधेश। देखें बाबू जात के भूमिहार, उसी गांव के रहने वाले, उस छोटी सी लड़की हीरा की कलाई को जा करके पकड़ लिए, पकड़ करके ले जा करके घर में बंद कर दिए, बगल की कुर्सी में बैठ करके दारू शराब पीने लगे। आखिर शराब पी रहे हैं, लड़की घर में बंद है, कर ही क्या सकती है, छोटी सी लड़की है, सोच रही है कि हाय भगवान, आखिर ये लोग क्या करेंगे मुझे, मैं कैसे जीऊंगी, लोग क्या करेंगे। डर से सहमी हुई लड़की उसी घर के अंदर है, लेकिन बाबू देखें होता है क्या। यहाँ एक लाइन है तरजवा मास्टर, Thank you.
बाम की छोड़ी दा चटकल के नौकरिया सुना ये साजना चटकल के नौकरिया सुनाए साजना चटकल के नौकरिया सुनाए साजना खाई ते तरज का लाइन वा लेकिन तनी गनवा के बाद समझ ला। आज वो लड़की रो रही है, हीरा रो करके कहती है क्या जिस घर में लोग बंद किए थे संजोग बस उसी घर में भगवान कृष्ण की बाबूजी तस्वीर टंगी हुई थी। वो छोटी सी नन्ही मुनी बालिका उस तस्वीर तरजा करके और अपनी दोनों नन्ही नन्ही हाथों को जोड़ करके रो करके कहती है, क्या कहती है कि रोवे अब रोवे रोवे तोहरी बहिनिया सुना हो बीरना रोवे तोहरी बहिनिया सुना हो बीरना रोवे तोहरी बहिनिया सुना हो बीरना। ओ राखा हमारी जीवनिया राखा हमारी जीवनिया सुना हो बीरना रोवे अरे रोवे रोवे तोहरी बहिनिया सुना हो आंखों में आंसू ले करके रो करके लड़की कहती है कि प्रभु आप तो सुनी थी कि आप तो दुनिया के मालिक हैं, दुनिया को चलाते हैं, लेकिन आज ये भी सुना था, ये भी मैं सुनी थी, क्या सुनी थी कि सुनली कि द्रौपदी के लजिया बचवला प्रभु सब हवा में जाए प्रभु रसिया सब हवा में जाए प्रभु सरिया बढ़ावला हमारी जीवन सुना हो बीरना हमारी जीवन सुना हो बीरना। आखिर बाबूजी लड़की रोती रह गई, बिलकती रह गई, देखें मगर आखिर हुआ क्या। वो दोनों भूमिहार के लड़के करते हैं क्या उस लड़की के साथ, तेरी का भाव दिया गया और तनि बढ़ के था भैया अरे धरती का कण कण रोया उस समय अब धरती का कण कण रोया उस समय सरिता सिसक पड़ी सच शोक में सागर सोया आज बाबू देखें आखिर कुछ देर के बाद जब शराब के नशे में दोनों भूमिहार के लड़के हो गए, दरवाजा को खोलते हैं जिस घर में लड़की थी जाकर के दोनों लड़के वो किए क्या बाबूजी कि बहिया पकड़ पापी कोठरिया ए बाबूजी। लड़की की कलाई को पकड़ करके और गद्दार नीच पापी अवधेश किया क्या कि कपड़ा उतारी दिया अरे कपड़ा उतार दिया कलप धरतिया हो रंग गई लहू से कुमरिया ये बाबूजी।
अखिया उलट गई। अब दुनिया के छोड़ी गई लसिया लसिया पड़लाया कोठरिया ये बाबूजी। आखिर उस लड़की की बाबूजी सलवार को खोल दिया, गद्दार समीज को खोल दिया, जिसे मैं चड्डी खुलने लगा। लड़की आंखों में आंसू लेकर कहती है, भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, मैं तो इस गांव की लड़की हूँ, इस नाते तेरी छोटी सी बहन हूँ, आखिर तुम क्या करोगे भैया। लेकिन गद्दार नहीं माना बाबू, आखिर वो जो कमलेश था उस लड़की के साथ बलात्कार कर ही दिया। छोटी सी लड़की बलात्कार को सहन नहीं कर पाई, आखिर इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। दोनों पापी बारा बारी से अपने मुंह को काला किए, आखिर उस लड़की की लाश को उसी तरह से घर में छोड़ करके, किवाड़ बंद करके, गांव को छोड़ करके फरार हो गए, भाग गए। लेकिन इधर जब शाम हुआ है, देखें जब शाम हुआ है, आखिर जब शाम हो गया, पता नहीं लड़की का चल रहा है, माँ बाप बिलक बिलक करके रो रहे हैं। गांव के उप प्रधान थे, गांव के जो उप प्रधान थे बाबूजी, जिसका नाम मंजेश राय बतलाया गया, उनसे उन कमता यादव की औरत रो करके बतलाई कि ऐसी ऐसी बात है। प्रधान बोले कि ठीक है 100 रुपया दो, मैं पता लगाऊंगा। 100 रुपया लेकर के उप प्रधान पता कहे के लगाए। आखिर उन दोनों लड़कों को बुला करके बोला कि सुनो, मेरे गांव मेरे घर के बगल में जो गली है, उसी गली में इस लड़की की लाश को तुम लोग फेंक देना। आखिर बाबू देखें उस लाश को रात को निकाल करके घर से उसी गली में लोग फेंक दिए। जब सुबह हुआ है, आखिर जब गांव वालों को पता चला है, जब इस बात की जानकारी कमता की औरत को मिली है कि मेरी बेटी की लाश पड़ी है, तो अपने बेटी की लाश को लेकर के रो रो करके कमता की औरत कहती है, क्या यही रो रो करके कहती है, क्या कहती है कि जो यहाँ मजानाती, 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 ओ बेटी होई बुहोसा करके रो रही है। लेकिन गांव के लोग कमता यादव को लिए और पहुंच गए थाना सुहवल, साथे नगर निवासी थे, रहे दरोगा राम सुभग यादव जो यादव यादव के साथी थे, पर पैसे पर बिक गया वह मार भगाया थाने से, लिखा रपटना नीच दरोगा मुकर गया वह जाने से। आखिर रपट और राम सुभग यादव जो दरोगा थे नहीं लिखे सोवल के, जब नहीं लिखे वो लोग तैयारी कर दिए एसपी के यहाँ गए। लेकिन जब उसे जानकारी मिली कि एसपी के यहाँ लोग गए हैं बाबू, उस समय वो गद्दार एसपी के आने से पहले ही उस घटना स्थल पर चला आया। लेकिन उस समय हुआ क्या, अल्हा वाली लाइन में भैया कहना है, यही से कहल गई कि गदर राजा के धर्म स्थल रोवे राजा धनिया भैया।
कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, और सबसे पहले बाबूजी जो वो उप प्रधान गांव के थे, जो कि 100 रुपया लेकर के पता लगाने के लिए कहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। और जब उनके चुत्तर पर बेंत कमार पड़ल बा, तब दोनों भुनिहार के लड़कन के अवधेश के ओकरे साथी का बतौले हूं, तो कभी को कहना है क्या कि होगी नहीं जमानत पापी जेहल में सड़ी। अरे होगी नहीं जमानत पापी जेहल में सड़ी, झूठे तीनों जत्ते चरिया हाथे पड़ी हथकड़ी। आखिर लोग बाबूजी देखें हाथ में हथकड़ी पड़ी है, आज जेल के अंदर लोग चक्की पीस रहे हैं। कहने का मतलब कि जब तक ये गीत लिखा गया था तब तक अभी उन तीनों का जमानत नहीं हुआ था, तीनों जेल के अंदर बंद थे। तो गाने के अंतिम प्रमाण में कवि को कहना पड़ा, जय जखार गुरु जद्दू लौटन, जय जखार गुरु जद्दू लौटन, परसीधन की फुलवारी, स्वर्ग बसे रघुनाथ कवि जी, पूजे श्री नारायण अवध बिहारी। तो कवि को कहना पड़ा, कवि का कहना है कि धरती का कण कण रोया उस समय, अरे धरती का कण कण रोया उस समय, महेंद्र ओम प्रकाश से जीना तू काटो खोया, धरती का कण कण रोया उस समय। शीर्षक है भेंट भेंट और भिक्षा। गाना का शीर्षक हो भेंट और भिक्षा। चार लाइन भूमिका पर गौर करें विष्णु भाई, कहना है कवि का क्या, प्रकृति की बनावट सजावट अनोखी, अरे प्रकृति की बनावट सजावट अनोखी, प्रकृति के परिधान में है संसार सारा, समय से सुबह शाम होती सदा है, समय से प्रकृति ने समय को निखारा, रूप भंगी हुए हैं समय चक्र में, हो गया दूर कश्ती से भारी किनारा, करिश्मा गजब की है मालिक तुम्हारी, मिल गया जल में डूबते को तिनका सहारा। यही लाइन पर पूरा कहानी लिखल गई बा कि मिलता है डूबते को तिनका सहारा, मगर यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा दिखल गई, गजल का लाइन बा भैया। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी, वह गजल का टुकड़ा बका आउ बढ़ के दाम। यह तरत का लाइन बाप कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तू प्यार प्यार बन के, आए हो मेरे
है कवि का कि पता है मानो धोखा अपने ही यार से, पता है मानो धोखा अपने ही यार से, पता है मानो धोखा अपने ही यार से। होता है लाल आदमी है, होता है लाल आदमी समय की धार से, पता है मानो धोखा अपने ही यार से। गाने का शुरुआत है कहानी हो कहवा का केकर कहानी बाम। सजा है प्रांतीय संप्राकृति की सुषमा से, हटाया नो की है अलंकृति आज उपमा से। मोहिनी ओ वृक्ष गीत गाते हैं, देखने वन की शोभा पूंजीपति आते हैं। शहर बिजवाड़ा से रजवाड़ा दो प्रस्थान किए, चलू पराऊ कमैया दिल में वो दो ठान लिए। झुकाए हैं अपनी आंखों में भरा आरजू लगाए हैं। गोद खाली है आज भर दे यही इच्छा है, पूजा दे मन की कामना झोली डाल भी इच्छा है। देखें बाबूजी राघव और माधव दोनों साथी जो कि शादी किए 20 वर्ष दोनों का गुजर गया था, लेकिन अब भी गोद सुना था, एक भी बच्चे नहीं थे। आखिर दोनों कौरू कमैछा के लिए चल दिए। दोनों साथी अपने अपने दुल्हन को लिए कौरू कमैछा के लिए चल दिए। आज जब कौरू कमैछा गई है लोगन, जाके मंदिर में सर झुकौलन, कहलन की माई बड़ा नाम सुन ले हैं जा, हमन के आई है जा, हमन के गोद यही तरह सुनना रही, आके हमनों को गोद में लड़का फड़का हुई हन। आखिर देखे बाबू माई सुन लिहलिन। फिर वहां से पूजा अर्चना करके सिल्लीगुड़ी स्टेशन पर दोनों साथी अपने पत्नी को लेकर के चले आए। लेकिन जब सिल्लीगुड़ी स्टेशन पर आए हैं, उस समय हुआ क्या बाबू? आई हाय एक लाइन वो है तर्ज के लाइन बा, का तर्ज के लाइन बा भैया। यह तर्जवा का लाइन बा कि हरि मोर कुंवरा कंधैया, अरे हरि मोर कुंवरा कंधैया बजावे बसुरिया बजाए के, हरि मोर कुंवरा कंधैया बजावे बसुरिया बजाए के, हरि मोर कुंवरा कंधैया बजावे। पहले का बात सुन लो भैया, आखिर दुनहुं दोस्त का मेहरारू आज कौरू कमैछा के मंदिर में जाए के आ सर झुका के एक ठे बात कहलिन हम। आ कवन बात कहलिन हम? कि बोली है धाई के पयरिया, अरे बोली है धाई के पयरिया नजरिया में आस ले के, बोली है धाई के पयरिया हमारे भरल नहीं अब तक।
दोनों पूजा अर्चना किए, दोनों दोस्त अपने औरत को लिए और सिल्लीगुड़ी स्टेशन पर चले आए। लेकिन जब सिल्लीगुड़ी स्टेशन पर अइले लोगन तो एक ठे चीज देखलन, वो स्टेशन पर देखलन हका यहाँ एक लाइन तरजबा मास्टर का तरज के लाइन बा यह तरज के लाइन बा कि अरे जहिया से देखली गोरी तोहरी सुरतिया मतिया हो, जहिया से देखली गोरी तोहरी सुरतिया मतिया मारी हनुना करवट फेर के भी आई हमरा तिया मतिया मारी हनुना मगर देखे बाबू जब सिल्लीगुड़ी स्टेशन पर एलियन हम उ दोनों दोस्त देखा तो उनकी एक भिखारी दू ठे लड़का लेके वो स्टेशन पर खड़ा हो। आखिर वो जा करके भिखारी के नजदीक दोनों गए और दोनों दोस्त जा करके पूरी हकीकत को पूछे तो भिखारी बोला कि भैया अगर इन दोनों लड़कों को लेना चाहते हो तुम लोग तो ले लो, मैं इन दोनों लड़कों को बेचने के लिए तैयार हूँ। देखें बाबू आखिर दोनों सेठ राघव और माधव दोनों दोस्त भिखारी के हाथ से दोनों बच्चों को खरीद लिए। आज जब दोनों लड़कवन के खरीद लिए लोगन उस समय का बात मिलल का भैया की बेचा है भिखारी अपने गोदी के लला नवा मनवा पागल भैया हो, बेचा है भिखारी अपने गोदी के लला नवा मनवा पागल भैया रोवे नारी भैया आज दावा खानवा मनवा पागल भैया रोवे नारी भैया के बेच दिया बाप नीर मोहिया जाई के खरीद लाया गोरी के दवाईया दिखे नहीं जानवा मनवा पागल भैया रोवे नारी भैया आज दावा खानवा मनवा पागल भैया रोवे नारी भैया आज दावा दोनों लड़कों को लेकर के सेठ फिर अपने घर पर चले आए। लेकिन समय गुजरता गया, उधर की बात जरा सुने, वो भी खारी की औरत हॉस्पिटल में भर्ती थी, अस्पताल में भर्ती रहलन बीमारी हालत में रहलन। आखिर जब जाता है भिखारी दावा लेकर के अपनी दुल्हन को, दुल्हन रो करके पूछती है कि सैया मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? देखें बाबू आखिर वो गद्दार भिखारी जो है बहाना बना दिया, अपनी औरत से बोला, क्या बोला, सोच कर वापस लौटा गायब रहे कुमार, सुन बात पति की रोवे नारी छाती फा। आखिर बाबू देखें वो लड़की, वो औरत रोती रह गई, रो करके अपने पति की पांव को पकड़ करके कहती है कि सैया हमार दोनों लड़कन कहाँ हुन, हम कैसे दोनों लड़कन के बगैर जियब। लेकिन आखिर वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। देखें तब उस समय वो बतला रहा है, क्या कहता है भिखारी अपनी औरत से कहता है, यहाँ एक लाइन तरज होका तरज के लाइन बाबू भैया हमारा
कहबा है तरह कलाई बाप कि हम तो से पूछिला हम तो से पूछिला माली ना ये माली बतला रहा है कहता है अपनी औरत से क्या कि बतिया का हाथ मोरा फाटे ले छाटिया हो ललना गई करूं दोनों बच्चों को स्टेशन पर सुला करके मैं इस शौचालय में पेशाब करने के वास्ते गया तब तक जब आ करके देखा मेरे दोनों बच्चे नहीं थे आखिर वो भिखारी बहाना बना दिया कह रहा है क्या कि वो ही स्टेशनवा पर दियली सुलाई रामा बाबूजी समय गुजरता गया कुछ दिन के बाद ओनी भिखारी का दुल्हन जब ठीक भइल बे अस्पताल से लेके वहां से चल दिया है धीरे धीरे इस तरह से 25 वर्ष के अंतराल समय गुजर गया लेकिन जब 25 वर्ष के समय के अंतराल गुजरल बा ओ समय के बाद मिलल का भैया बाबा आई हूँ एक लाइन तरज बा का तरज के लाइन बा बाबा है तरत कलाइन बाम कि पातर राम के पातरा ही राम के पातरा कारी आई आए रामा पातरा ही राम आई देखा 25 वर्ष गुजर गई ई जवन दोनों सेठ राघव और माधव जब दोनों लड़कन के अपने यहाँ ले कैलन हीरा मोती नाव रखलन हीरा मोती धीरे धीरे जवान हो गए बाबूजी आज हीरा मोती की बारात सजी है लेकिन बारात सजल बा शादी भैल बा वो समय कवि जी बात लिखलन का कि आइल बा समैया बाजे अब आइल बा समैया बाजे घर साह नैया ए भैया आइल बा समैया बाजे भैया
पास मैया बाजे घरे सहनैया रे भैया नाम हीरा मोती रहले नाम हीरा मोती रहले करे लन पढ़ैया रे भैया नाम हीरा मोती रहले बाबूजी दोनों की दुल्हन आई है एक की नाम है सीता और एक की नाम है उर्मिला आखिर दोनों दोनों दुल्हन आकर के घर में हीरा मोती की सेवा कर रही हैं लेकिन समय गुजरता गया नतीजा निकला क्या बाबूजी तेरी कबात बढ़ के दा यरे हिया को देती चीर कल्पना कनी और बढ़ के दा भैया यरे हिया को देती चीर कल्पना व्याकुल रहा पपीहा पाया स्वाति आई देखा समय गुजरत चल गई हीरा मोती का समय चैन से बीतत बा राघव माधव के घरे लेकिन नतीजा निकला एक दिन की रहली पड़ोसिनी गले मकानावा में तनावा सुनाई तब बरसे नजरिया गोदिया में नहीं होई तोहरो लाला नावा हो बजबट बाप तोर बजीनी बे मातरिया तारा के चोराई लेके तोरा के चोराई के ले आईले भवानावा में इतना सुना तक पे थर थर शरीरिया आखिर बाबूजी बगल की पड़ोसिन एक दिन ताना दे देती है कि अरे हीरा मोती जाओ तुम लोग भी उसी तरह रहोगे जिस तरह से तेरा तुम दोनों का बाप है तुम दोनों का बाप बाज था और तुम लोगों को तो चुरा करके लाया है यहाँ पर आखिर देखें बाबू हीरा मोती को एक गोली के समान ये बोली लग गई बात लग गई लेकिन समय गुजरत चली गई वो हीरा मोती का जवन की वो भिखारी मतारी बे अभिखारी बाप बा समय गुजरले पर कुछ दिन बीतल बा और यही राघव माधव सेठ की है आके दोनों नौकरी करत हूँ आज नौकरी बाद में समय गुजरत चल गई आज जब समय गुजरल बा बाबूजी देखें एक रोज भिखारनी बीमार पड़ती है भिखारी की औरत बीमार पड़ती है उसे अस्पताल में खून की जरूरत पड़ी हीरा मोती को जब पता चला है कि हम लोगों की जो भिखारी की औरत है बीमार पड़ी है अस्पताल में जाते हैं ब्लड मिलाने ब्लड जो है मिलाया गया आखिर ब्लड नहीं मिला आज जब ब्लड किसी की नहीं मिला बाबू हीरा मोती अपना ब्लड देते हैं हीरा मोती का ब्लड मिल जाता है आज जब हीरा मोती का ब्लड मिलल बा ओ समय हीरा मोती कैलन हका यहाँ एक लाइन तरज बा जवा सनिक गनवा का बात निकल गई आज हीरा मोती कैलन का बाबू कि हंसी के हीरा मोती दिए हंसी के हीरा मोती दिए खुनवाली आई खुनवाली आई पूछे हीरा मोती बाबा भेदवा बताई भेदवा बताई हंसी के हीरा मोती दिए आखिर बाबू दोनों हीरा मोती रोत हूँ बाबा आखिर बात का बाब भेद बतावा बाबू देखें आज ओ औरत को जब होश हुआ है औरत रो करके कहती है कि बेटा तुम लोग ही जैसा आज मेरा बेटा अगर कहीं भी जिंदा होंगे दोनों तो तुम लोग ही जैसे होंगे तुम लोग ही जैसे होंगे बेटा मेरे बेटे के सीने पर एक चीज का निशान था
हीरा अवाक हो जाता है। हीरा मोती दोनों अपने सीने को दिखलाए, आखिर हीरा मोती के सीने पर निशान था, और उस निशान को जब वो माँ देखती है पहचान जाती है, कहती है कि बेटा कहीं तुम ही लोग मेरा बेटा तो नहीं है, तुम लोगों का खून भी मेरे खून से मिल चुका है, तो बेटा तुम लोग दोनों मेरे बेटे हो, हम लोग सिलीगुड़ी में मेरे बेटे से साथ छूटा था, आज तक मुलाकात नहीं हुई। तब तो हीरा मोती का फिर दो दिन पहले थे पड़ोसी ताना मरले रहलिन, वो बात लग गई, कहलिन कि बस कर माँ हम ही नहीं कहते तोर दोनों बेटा हई जा। आखिर नतीजा निकलल का भैया, कहना है कि रहले सूरज चांद सितारा हमरे जीवन के, अरे रहले सूरज चांद सितारा हमरे जीवन के, सिलीगुड़ी से गायब हुए दुलारा हमरे जीवन के, इतने बीच में राघव और माधव हीरा मोती के दुनहुन जोन बाप रहलन उहो चलीलन, आ जब अइलन हाँ आगे अपनी बेटोन के आ उन्हें भिखारिन का बात सुनने लगलन। तब नतीजा निकलल का भैया कि सुन रहे थे राघव माधव उन दोनों की बातें हो, राघव माधव लेके अइलन नारी अपने साथे हो, बनल काम जीवन के जीन बिगाड़ा हमरे जीवन के, अरे बनल काम जीवन के जीन बिगाड़ा हमरे जीवन के, सिलीगुड़ी से गायब हुए दुलारा हमरे जीवन के। अल्लाह के लाइन में कहल गई, का कहल गई कि जब से अपार दुखा, कहना बा बड़ गया मास्टर, का कहना हो अरे जब से अपार दुखा होला दुनिया में ये भैया, पूरी बात को बताया है कि बेटा हम दोनों बेटों को हम लोग चांद सूरज नाम रखे थे, लेकिन आज तुम लोगों का नाम हीरा मोती रखा गया है, मैं वही भिखारी हूँ, इन सेठों के हाथों से तुम दोनों बेटों को बेच दिया था तो कहना है कभी का, अरे करता जननी के चरणवा, करता जननी के चरणवा, जीवन के बंदगी बरसे खुशी में नया नवा, जीवन के बंदगी बरसे खुशी में नया नवा, जीवन के बंदगी उपमा दिया गया। आज राघव और माधव के लिए भी साथ साथ हीरा मोती जो दोनों बच्चे थे उन लोगों के ऊपर भी, और जो भिखारी और भिखारनी थी उन दोनों के ऊपर भी, कहना है सबके ऊपर कि देवकी के गोदिया में जन्म भगवान हो, नंद बाबा जसोदा के होला गुणगान हो, तोरे खे के करबे हम की मार जिंदगी,
तोरे खे के करबे हम किनार जिंदगी, बरसे खुशी में नया नवा जीवन की बंदगी। जय जखाड़ कवि को कहना पड़ा, जय जखाड़ गुरजद्दू लौटन परसीदन स्वरक सिधारे, श्री नारायण विष्णु बाबा शारद के बने सहारे। अरे हिया को देती चीर कल्पना, अब हिया को देती चीर कल्पना, महेंद्र ओम प्रकाश के बुझे न कोई तीर, हिया को देती चीर कल्पना।